सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में इतनी गलतियाँ ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितने भी पुराने हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। खामोश रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। आज का पंचांग 27 अप्रैल 2022 दिन बुधवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात्रि 12:24 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र शाम 5:05 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:24 से 2 बजे तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर सुबह 11 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। मकर राशि 27 अप्रैल 2022 दिन बुधवार, आज आप आवेगी मूड में हैं। किसी भी काम के बारे में भली प्रकार सोचे बिना ही करने दौड़ पड़ेंगे, जिसके कारण आपको कार्यस्थल पर और पारिवारिक जीवन में भी दिक्कतें आ सकती है। हालांकि इस समय ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मन को शांत रखें। आपके सामने कई अवसर एक साथ आएंगे, आपको सोच समझकर उनमें से चुनना है। किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। काफी दिनों से चल रही व्यस्तता के कारण आप थकान अनुभव कर रहे थे, इसलिए आज का दिन शांति और सुकून में व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग प्रकार की बातों को सुलझाते हुए हर एक बात के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनमें संतुलन बनाए रखना आपके लिए संभव हो सकता है। आज समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करें, इस कारण आपको अपनी क्षमता के लिए सकारात्मक महसूस होने लगेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पार्टनर को रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दोनों पक्षों के पूरा प्रयत्न किया जाएगा। माइग्रेन और आंखों से संबंधित तकलीफ हो सकती है। सावधानियां, अनुभवी तथा वरिष्ठ सदस्य के मार्गदर्शन और सेना पर भी जरूर ध्यान दें। कभी कभी मन में बेचैनी और गुस्से जैसी स्थिति रहेगी, अपनी इस कमियों पर काबू पाए। इस समय शेयर सट्टे जैसे कार्यों से दूर रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग आपकी काफी परेशानियों को हल करेगा। प्रेम संबंध गहरा होगा। अच्छा, आपके कार्ड्स के अनुसार आपकी मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। यह मुलाकात काफी उत्तकत और अंतरंग भी हो सकती है, इसलिए अपनी भावनात्मक बाधाओं को एक तरफ करके दिन का भरपूर फायदा उठाने के बारे में सोचें। अगर वह व्यक्ति जाना चाहे तो उसे ना रोकें, वह वापस आपके पास आएगा। उसे आप अपनी अहमियत समझने का मौका दें। बात करते हैं करियर की। आज के दिन नौकरी से संबंधित कार्यों के लिए काफी अनुकूल है। आपने हमेशा से ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य किया है, और अतीत में हालांकि आपको उतना फल नहीं मिला, लेकिन अब भाग्य आपके लिए स्थितियां अनुकूल करेगा। आपकी काफी सारी परियोजनाएं सफलता के साथ फलित होगी, और आज के दिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने से नीचे कार्यपद पर तैनात सहकर्मियों से प्रशंसा पाने का समय है। व्यवसाय की स्थिति में समय अनुकूल है। दूसरों से सलाह लेने की अपेक्षा अपने विचारों को प्राथमिकता दें। अगर व्यवसाय में परिवर्तन संबंधित योजना बन रही है तो उस पर ध्यान दें। जल्द ही उचित परिणाम सामने आएगी। मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों को स्थगित रखें। बात करते हैं सेहत की। आज ऐसी स्थिति बनेगी जब आपको एलर्जी पैदा करने वाले कारकों के संपर्क में आना ही होगा। बचने का कोई भी विकल्प नहीं होगा, इसलिए आपको पहले से ही सावधान होकर रहना होगा। इसके लिए एक काम आप यह कर सकते हैं कि अपने खाने की योजना इस प्रकार की रखें कि इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े
और आप संक्रमणों से बच पाए। खूब पानी पिए और अपनी डाइट में सभी जरूरी विटामिन शामिल करें। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाए, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।